गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी नौटंकी दिखाती हूँ, एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ। तो पहले आप ये ग्लिम्स देख लो। ओफो, फिर से ग्रे हेयर। अब फिर से टू स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया, एक ही हेयर पैक तैयार करते हैं। ये देख के अब आप समझ तो गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो किस पे होने वाली है। हमारी आज की वीडियो होने वाली है वन स्टेप हीना इंडिगो प्रोसेस पे, जिसमें हम हमारे हीना पैक और इंडिगो पैक को मिक्स करके एक ही हेयर पैक बनाएंगे और अपने हेयर पे लगाएंगे और फिर देखेंगे कि उसके बाद हमारा किस तरह का रिजल्ट आता है। ये वन स्टेप हीना इंडिगो प्रोसेस के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है कि हमें एक हीना पैक प्रिपेयर करना है। अब ये हीना पैक हमने कब प्रिपेयर करना है? जिस दिन भी आपने एप्लीकेशन करना है ना, लाइक फॉर एग्जांपल संडे को आप ये वन स्टेप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो आप सैटरडे नाइट में आप ये वाला हीना पैक प्रिपेयर करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमने ये हीना पैक प्रिपेयर कैसे किया। हीना पैक प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक लोहे का कंटेनर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप हीना पाउडर। अब हीना पैक बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नॉर्मल वाटर। ये मेरा नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर है, जो पानी हम पीते हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक कर्ड लाइक कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा हीना पैक रेडी हो गया। अब हम इसे ओवरनाइट ढक के रख देंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा हीना पैक। हीना ने अपना कलर रिलीज कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसको रख देंगे हम साइड में। ओवरनाइट छोड़ने के बाद इस तरह से हमारा हीना पैक प्रिपेयर हो गया था। अब जब आप संडे को एप्लीकेशन करने वाले हैं, जब भी आपने एप्लीकेशन करना है उसी समय आप प्रिपेयर करेंगे इंडिगो पैक। अब देख लो कि ये इंडिगो पैक कैसे प्रिपेयर करना है। इंडिगो पैक प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा इंडिगो पाउडर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ डॉक्टर मेडिक्स आयुर्वेदा का इंडिगो पाउडर। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक ग्लास का कंटेनर और मेजरमेंट के लिए मैं यूज कर रही हूँ वही सेम स्पून जिससे मैंने हीना ऐड किया था। जितना मैंने हीना लिया था उसका 3 times यहाँ पर मैं ले रही हूँ इंडिगो पाउडर। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल रेडिएंट अर्थ का है, विच इज वेरी नाइस। एक स्पून मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है। नेक्स्ट अब एक स्मूथ सी पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे ल्यूकवॉर्म वाटर। थोड़ा थोड़ा करके हम वाटर ऐड करेंगे और एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इंडिगो पैक प्रिपेयर हो गया, हमारा हीना पैक प्रिपेयर हो गया। अभी आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों पैक्स को मिक्स करना है। ये इंडिगो पैक हमने अभी अभी प्रिपेयर किया है और ये है हमारा हीना पैक जो हमने कल रात में प्रिपेयर किया था। अब हम इस हीना पैक को हमारे इंडिगो पैक में ऐड कर देंगे। और दोनों को बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। तो हमारा वन स्टेप हीना इंडिगो प्रोसेस के लिए हमारा फाइनल हेयर पैक हो गया है रेडी। इन दोनों को मिक्स करके अब हमारा फाइनल हेयर पैक रेडी हो गया है, जो अब हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। ये है मेरे सारे ग्रेस जिन पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेरा ये हेयर पैक। आप जब भी ये हेयर पैक लगाएंगे इसे आप हमेशा अपने क्लेंस्ड हेयर पे लगाएंगे। लाइक अगर आपने ये हेयर पैक लगाना है संडे को, तो सैटरडे को आप अपने हेयर को अच्छी तरह से शैम्पू करेंगे, संडे को अप्लाई करेंगे। 4 hours के लिए रखा था मैंने ये हेयर पैक अपने हेयर में। शार कैप पहनी थी। शार कैप हम इसलिए पहन रहे हैं ताकि हमारे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई ना हो और टूटे ना। और उसके बाद जब हम ये हेयर पैक निकालते हैं हम उसे नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं, शैम्पू नहीं करते हैं। तो जब भी हम कोई भी हेयर पैक निकालेंगे हम कभी भी शैम्पू यूज नहीं करेंगे उस हेयर पैक को निकालने के लिए, हमेशा नॉर्मल वाटर से रिंस ऑफ करेंगे। एक बार बात कर लेते हैं हम हमारे इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें जो मैंने इंडिगो लिया था, इंडिगो मैंने हीना से 3 times ज्यादा लिया था। लाइक अभी जो आपने रेमेडी देखा इसमें आपने देखा कि
मैंने हाफ कप हीना पाउडर लिया है और 1.5 कप इंडिगो पाउडर लिया है। सो बेसिकली मैंने 1:3 रेशो में लिया था हीना और इंडिगो। इस प्रोपोर्शन में हीना इंडिगो लेने का मेरा पर्पस ये था कि जब आप 1:1 मतलब बराबर का हीना और इंडिगो पाउडर लेते हैं तो आपके हेयर में आता है ब्राउन कलर, और जब आप लेते हैं 1:2 रेशो में हीना इंडिगो मतलब जितना आपने हीना लिया है उसका डबल इंडिगो लिया है, तब आपके हेयर में आता है डार्क ब्राउन कलर। इसीलिए मैंने इस बार जब मैंने 1 step हीना इंडिगो प्रोसेस किया तो मैंने 1:3 लिया, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा एक ही स्टेप में पूरा ब्लैक कलर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे कंप्लीट जितने भी ग्रेस थे उन सब ग्रेस में से 70% ग्रेस तो कवर हो गए जिनमें पूरा ब्लैक कलर आ गया, लेकिन उसमें 20% कुछ ऐसे थे जिसमें डार्क ब्राउन कलर आया है और 10% ऐसे है जिसमें हल्का सा गोल्डनिश ग्रेइश कलर रह गया है। सो बेसिकली मेरी 1:3 रेशियो में 70% आया है ब्लैक कलर, 20% आया है ब्राउनिश शेड, और रिमेनिंग जो 10% है उसमें मेरा कुछ गोल्डनिश और ग्रेइश सा शेड रह गया है। मतलब उन 10% पे मेरा कलर अच्छी तरह से नहीं चढ़ा इस 1 step हेयर पैक के बाद। तो मुझे इस तरह के डिफरेंट शेड्स अपने हेयर में पसंद नहीं है, इसीलिए अब इस 1 step हीना इंडिगो प्रोसेस के बाद भी मैं फिर से अपने हेयर में इंडिगो अप्लाई करूंगी ताकि ये जो डिफरेंट शेड्स आ रही है मेरे हेयर में वो सब कवर होके ब्लैक हो जाए। और इस बार जब मैं इंडिगो पैक लगाने वाली हूँ अपने हेयर में इस प्रोसेस के बाद, वो मैं लगाने वाली हूँ एक हाइड्रेटिंग इंडिगो पैक, तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट फ्राइडे। उस इंडिगो पैक को अप्लाई करने के बाद आपके हेयर ड्राई नहीं होंगे। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है कि उनके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं जब वो इंडिगो पैक अप्लाई करते हैं, तो जो मैं अब इंडिगो पैक अब लगाने वाली हूँ उससे आपके हेयर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, इनफैक्ट हाइड्रेट होंगे। तो उस रेमेडी के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप लोग को पता चल जाए और आप उसको वहाँ पे जाके देख सकें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी बात कर लेते हैं इस चीज की कि आपने हीना इंडिगो 2 step प्रोसेस किया लेकिन उससे आपके हेयर में कोई कलर नहीं आया, तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि जो मैंने आज आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया है 1 step हीना इंडिगो का, आप 1:1 रेशियो में जैसे आज मैंने हेयर पैक बनाया जिसमें मैंने हीना पैक और इंडिगो पैक मिक्स किया, आप दोनों ही बराबर क्वांटिटी में हीना और इंडिगो लो, इसी तरह से पैक्स प्रिपेयर करो, दोनों को मिक्स करो, अप्लाई करो। उससे क्या होगा कि उससे आपके हेयर में ब्राउन कलर चढ़ जाएगा। तो आप पहले 1 step प्रोसेस से अपने हेयर में ब्राउन कलर अच्छे से चढ़ा लो, और उसके बाद अगर आपको वो ब्राउन कलर नहीं पसंद आता है और आपको आपके हेयर में ब्लैक कलर चाहिए तो आप उसके 1 से 2 दिन बाद इंडिगो पैक लगा लो। तो इस तरह से आपके हेयर में डेफिनेटली कलर आ जाएगा अगर आपको नॉर्मल हीना इंडिगो 2 step प्रोसेस से कलर नहीं आ रहा आपके हेयर में। तो अभी बात कर लेते हैं इस बार के हीना इंडिगो के बारे में। तो इस बार मैंने यूज की थी डॉक्टर मेडिक्स का हीना पाउडर और इंडिगो पाउडर। मेरे ही एक व्यूअर ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि डॉक्टर मेडिक्स आयुर्वेदा का हीना इंडिगो इज गुड, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट फॉर दिस मंथ, और मैंने ये दोनों को ट्राई किया एंड आई गॉट गुड रिजल्ट्स। मैं आपको इनका प्राइसिंग भी बता देती हूँ। सो ये है डॉक्टर मेडिक्स आयुर्वेदा का हीना पाउडर, ये 200 ग्राम्स का बॉक्स है, इसका MRP है 399, ये Amazon पे आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपीज का। और ये है डॉक्टर मेडिक्स आयुर्वेदा का इंडिगो पाउडर, अगेन ये 200 ग्राम्स का बॉक्स है, इसका MRP है 399, बट ये Amazon पे आफ्टर डिस्काउंट था 230 रुपीज का। सो ये दोनों मेरे को 200 ग्राम्स ईच मिला है 430 रुपीज का एंड रिजल्ट्स आर गुड। तो अगर इफ यू वांट टू ट्राई दिस, मैं इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके इनको परचेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा 1 step हीना इंडिगो प्रोसेस। आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।